तो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सब बहुत अच्छे होंगे। न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, मैंने बोला था कि मैं वीडियोज अपलोड करूंगा, तो मैं आपको सीक्वेंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको डायरेक्ट टैक्स के चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं। एंड उसी सिक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम कम से कम होगी एंड आपको उसको ज़्यादा उसका आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा स्टडी मटेरियल है जो सेमी इंटरमीडिएट का है। इस स्टडी मटेरियल में मैं सीक्वेंस स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो आप देख सकते हो, जनवरी 2020 का एडिशन है, यानी लेटेस्ट अपडेटेड आपकी स्टडी मटेरियल। एंड इस स्टडी मटेरियल से आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप चैप्टर्स का वेटेज देख सकते हो, बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस वेटेज के ऊपर आप ट्रस्ट मत करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज अगर आप स्कैनर्स देखोगे और इसके वेटेज देखोगे तो डेफिनेटली इसमें चेंज आएगा। जब मैं सेम में इंटर में था या फिर फाइनल में भी था, तो कभी भी इस वेटेज के अकॉर्डिंग मेरे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते थे। तो हो सकता है अभी भी ऐसा ही पैटर्न चल रहा हो, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि इस वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं करती है। ये सिर्फ डायरेक्ट टेक्स्ट में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है। तो आप इस वेटेज के ऊपर आप ज्यादा फोकस मत देना कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अब मैं आपको चैप्टर्स का सीक्वेंस बताता हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको सबसे फर्स्ट में पढ़ना ही है। स्टडी नोट वन बेसिक है, तो बेसिक हमेशा आपको फर्स्ट में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर तो आपको यही पढ़ना है, ठीक है। देन इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। स्टडी नोट वन में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको एक असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के बारे में, एसएससी असेसमेंट ईयर मेरा असेसमेंट ईयर के बारे में आपको जानना जरूरी है, प्रीवियस ईयर। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कब असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों सेम कब हो सकते हैं। तो इंटर लेवल पे 2-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखा जाए। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, बाकी इस सेक्शन में और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दो सेक्शन राउंडिंग ऑफ इनकम एंड राउंडिंग ऑफ टैक्स का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी रेसिडेंशियल स्टेटस आपको सेकंड स्टडी नोट सेकंड में ही पढ़ना है, बिकॉज पूरा इनकम टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड होती है। एक तरीके से आपके रेसिडेंशियल स्टेटस ही ये डिसाइड करती है आपको इंडिया में टैक्स देना है या फिर आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना है। तो सारे कॉन्सेप्ट एसएससी का जो भी होता है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एचयूएफ का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो इंडिविजुअल से ही रिलेटेड है। तो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस है। इसके बाद कंपनी फॉर्म इन सब का लगभग सेम है, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इंडिविजुअल के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज बाकी सब इजी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं स्टडी नोट 3 की। तो आपको स्टडी नोट 3 नहीं पढ़ना है अभी। अब जब आपने रेसिडेंशियल स्टेटस आपने पढ़ लिया होगा, तो सबसे पहले आपको आना है स्टडी नोट 6 पे, यानी ये चैप्टर हमारा थर्ड बनेगा, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी सबसे इजी चैप्टर है इनकम टैक्स का, एंड यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा अगर आप सेल्फ करना चाहते हो। हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली होता है क्या है, सपोज हमारे पास घर होता है, ठीक है, ये मेरे पास कोई घर है, ऐसे घर बनाता हूँ, स्कूल्स में हम ऐसे ही घर बनाते थे। सपोज मेरे पास कोई घर है एंड इस घर से मेरे पास रेसिडेंशियल इनकम आ रहा है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स चार्ज करती है। बिकॉज इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सब्जेक्ट टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करने के लिए ये सारे उन्होंने प्रोविजंस बनाए हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके लिए सबसे अच्छा प्रोविजन है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने किराए पे दे रखा है और उससे आपको कोई रेंटिंग का इनकम आ रहा है, तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। उससे रिलेटेड आपको सारे प्रोविजंस पढ़ने हैं। तो ये आपको स्टडी नोट थर्ड है आपके लिए, ठीक है, आपको स्टडी नोट थर्ड ये पढ़ना है। देन आप सैलरी को आप पढ़ सकते हो स्टडी नोट 4 के रूप में,
ये थोड़ा सा लंबा स्टडी नोट है, थोड़ा नहीं सबसे लंबा स्टडी नोट आपके सीएमए इंटरमीडिएट में यही है। तो स्टडी नोट 4 आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है, सैलरीज का, सॉरी इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अब सबको पता है जो लोग सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनको वेरियस इनकम्स होते हैं, मतलब बेसिक पे होता है, एचआरए होता है, डीए होता है, अदर प्रोक्योर देती है कंपनी, कार फैसिलिटीज देती है, या फिर हो सकता है आपको गैस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, आपके बच्चों को आपको स्कूल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब वेरियस टाइप की जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वो सारी फैसिलिटी, वो सारी अलाउंसेज अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड सैलरीज टैक्सेबल होता है। मेरे दिमाग में हाउस प्रॉपर्टी बार बार चल रहा है इसलिए मैं उसे ही बार बार रिपीट कर पा रहा हूँ। तो अंडर द हेड सैलरी जो टैक्सेबल होगा जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल होगा। तो इस सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपको, ये भी चैप्टर समझ में आएगा, बाकी मैं ट्राई करूंगा कि मैं इनके कुछ वीडियोज आपको प्रोवाइड कर सकूं तो मैं करूंगा डेफिनेटली। नेक्स्ट टीजीपी आपको अभी नहीं पढ़ना है, हमारा स्टडी नोट 3rd, 4th कंप्लीट हो चुका है, 4 स्टडी नोट मैंने आपको बता दिया कौन सा आपको पढ़ना है, मेरे सीक्वेंस नहीं आपको पढ़ना है। 4 के बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टडी नोट की, तो स्टडी नोट 5 आप कैपिटल गेन में आप पढ़ सकते हो, बिकॉज कैपिटल गेन बहुत अच्छा टॉपिक है एंड ईजी है। कैपिटल गेन स्टडी नोट हमारे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसका देखा जाए तो, ये मेरे अकॉर्डिंग 10 मार्क्स तक का तो ये कवर कर ही सकता है आपके एग्जाम में। ये कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन होता है सपोज आपके घर में ज्वेलरी है, ठीक है, आपके पास कोई एक हाउस प्रॉपर्टी है या आपके पास लैंड है या कोई भी आपके पास कैपिटल एसेट्स है जिसको आप सोल्ड करते हो, जिसको आप सेल करते हो, ठीक है, तो उसको सेल करने से भी आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उस प्रॉफिट पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो वो सारे एसेट्स जिसको सेल करने पे आपको गेन हो रहा है वो सारे अंडर द हेड कैपिटल गेन आएगा। इसकी चार्जिंग सेक्शन यही बताती है कि जो भी आपके पास कैपिटल एसेट्स है उसके सेल करने पर, जैसे मान लो आपके पास शेयर्स आपने किसी कंपनीज पे होल्ड कर रखे हैं, वो शेयर आप जब सोल्ड करते हो तो उसके सेल करने से जो भी आपको इनकम आ रहा है वो सारा यहाँ टैक्सेबल होगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन एग्जेम्पशंस भी है। जैसे आप किसी आप रूरल एरिया में आप बिलोंग करते हो, किसी आप गांव से किसी विलेज से बिलोंग करते हो, तो अगर आपके पास गांव में कोई एग्रीकल्चर लैंड है उस लैंड को अगर आप सेल करते हो तो आपके एग्जेम्प्ट है, बट वो भी कैपिटल गेन है, लेकिन उसे गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन नहीं बोला है, उसे कैपिटल रिसीव बोला है एंड उसे एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है 10 मार्क्स का। तो नेक्स्ट स्टडी नोट आपको यही पढ़ना है, स्टडी नोट 5। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपको अदर सोर्स पढ़ना है, अदर सोर्स स्टडी नोट 6 से आपका, एंड देन सबसे लास्ट में आपको पीजीपी पढ़ना है। अब आप सोच रहे हो कि सबसे लास्ट में मैंने आपको पीजीपी क्यों सजेस्ट किया है, तो उसके पीछे रीजन है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। एक्चुअली जब आप पीजीपी जब आप चैप्टर पढ़ने जाओगे तो पीजीपी में जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो आपको हाउस प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, कैपिटल गेन का भी आएगा, डिविडेंड का भी आएगा, सैलरीज का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो सारे हिट्स यहाँ पे मिक्सअप होते हैं। तो अगर आपने पीजीपी अगर आपने पहले पढ़ा और बाकी चैप्टर्स के आपने कॉन्सेप्ट पहले से नहीं पढ़े हैं या आपको मालूम नहीं है तो आपको ये चैप्टर बाउंस करना शुरू होगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट है जो पीजीपी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। जब मैं भी इंटरमीडिएट में था बट मैंने ऐसे टीचर से क्लास ली थी या मैंने इतना एफर्ट किया था कि मैं पीजीपी का क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली सॉल्व करूँ, और एग्जाम में मैंने हमेशा पीजीपी का क्वेश्चन सॉल्व करके आया। बाकी कोई कॉन्सेप्ट हो जिसको मैंने क्वेश्चन छोड़ भी दिया हो लेकिन मैं पीजीपी कभी नहीं छोड़ता था, बिकॉज मैं वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक था अंडर द इनकम टैक्स, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता था, इसमें सारे क्वेश्चन करता था, फाइनल लेवल पर भी मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। देन अब आता है छोटे मोटे जो चैप्टर्स है हमारे टॉपिक्स है, ये हिट्स इंपॉर्टेंट है इंटर लेवल पे, हिट्स पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आएंगे, तो ये सारे आप हिट्स कवर कर लो, जिस सिक्वेंस में मैंने आपको बताया आपको उसी सिक्वेंस में आपको कवर करना है। जब आप हिट्स कवर कर लोगे तो हमारे कुछ इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड, ये क्लबिंग ऑफ इनकम है, इसको हम क्लबिंग बोलते हैं,
क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम 4 to 5 marks का आ सकता है, 4 to 5 marks का आपके एग्जाम में आ सकता है। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में आप कर सकते हो क्लबिंग ऑफ इनकम, बट क्लबिंग ऑफ इनकम आप इसके बाद मत करो बिकॉज क्लबिंग ऑफ इनकम में सेट ऑफ के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप नेक्स्ट चैप्टर क्या करोगे, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, पीजीपी साथ स्टडी नोट 7 था तो उसके नेक्स्ट सीक्वेंस में आप इसको डाल सकते हो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। जब आप सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड कर लो, सॉरी आफ्टर दैट आप सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड को आप डिडक्शन करो, डिडक्शन करो। अब मैं आपको बता दूं सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में होता क्या है। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड एक ऐसा चैप्टर है, सेट ऑफ, सेट ऑफ आपने अपने लाइफ में काफी टाइम सुना होगा। सेट ऑफ क्या होता है, जब भी आपको कोई गेन होता है, सपोज मेरे पास दो बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस ए है बिजनेस बी है, यहाँ पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे मुझे 5,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों बिजनेस को आपस में सेट ऑफ कर दूंगा, यानी प्रॉफिट से हमारा लॉस सेट ऑफ हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है सपोज अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सिनेरियो में चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट था और यहाँ पे 20,000 का लॉस हो गया, यानी मेरा नेट क्या हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, तो सारा लॉस को मैं इससे सेट ऑफ नहीं हो पाया। तो जो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता है वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर के, ठीक है, मतलब जो लॉस सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया आपके इनकम से वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सारे कॉन्सेप्ट सेट ऑफ, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो सकता है नहीं, या कैपिटल गेन का इनकम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो सकता है नहीं, सैलरी में अगर आपको सैलरी में कभी लॉस नहीं होता, ठीक है, सैलरी में हमेशा या आपको गेन ही होगा बिकॉज सैलरी एक ऐसा हेड है जहाँ पे कभी लॉस नहीं हो सकता। आप खुद से सोचो, आप किसी के यहाँ जाओगे जॉब करोगे एंड उसे पैसे भी दोगे, ऐसा होगा नहीं, आप जॉब करोगे तो आपको सैलरी पैसे आपको मिलेगी, तो सैलरी हेड से कभी लॉस नहीं हो सकता, बट बाकी सारे जो भी आपके हेड्स है वहाँ आपको लॉस हो सकते हैं। तो उस लॉस को आप कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे सेट ऑफ करोगे, कितने लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकते हो, वो सारा कॉन्सेप्ट आप सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के आप चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में आप इसे आप ऐड कर लो एंड आफ्टर दैट आप डिडक्शन को पढ़ो। अब डिडक्शन चैप्टर होता क्या है, तो डिडक्शन चैप्टर क्या है, जब हमारे पास इनकम होता है तो हम अपने इनकम को ना इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे सपोज मैंने अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, या फिर मैंने अपना कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, तो उसके लिए मैंने लोन लिया होगा, ठीक है, उस लोन का मैं प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करूंगा तो उसका डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। या फिर मैंने अपने लिए पेंशन स्कीम ले रखा है, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए कि जब मैं रिटायर्ड हूँ या जब मैं अपनी जॉब छोड़ूँ तो मेरे पास एक मंथली इनकम का सोर्स होना चाहिए, तो उन सब चीज़ के लिए वेरियस स्कीम्स है यहाँ पे, वेरियस अपॉर्चुनिटीज है जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जहाँ से आपको डिडक्शन मिलेगा, आपकी सेल आपकी इनकम में से माइनस होगा। जो डिडक्शन होता है जैसे क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, ग्रॉस टोटल इनकम आता है, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है, जितने भी हेड्स है वो सारे हेड्स को जब आप ऐड कर देते हो तो जीटीआई आता है, जीटीआई में से हम डिडक्शन माइनस करते हैं तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम आता है, ठीक है, नेट टैक्सेबल इनकम। इस नेट टैक्सेबल इनकम पे ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट इसलिए इसको यहाँ पे लेके आया डिडक्शन का टॉपिक, बिकॉज लोग क्या करते थे, पब्लिकली इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो उन्हें फ्यूचर का बेनिफिट नहीं होगा, हो सकता है आफ्टर सम टाइम जब आप रिटायरमेंट एज पे आओ तो आपके पास सेविंग्स ना हो। तो गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स लेके आई जिससे लोग उससे इंटरेस्टेड हो कि यार अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा टैक्स सेव होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स लाई टैक्स सेविंग की और लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, लोगों ने टैक्स सेविंग के ऊपर फोकस किया और प्लस उनका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, और जिससे बहुत सारे इसके इकोनॉमिक्स रीजंस भी है तो वो सब मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। तो उन सब कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने वेरियस टाइप्स के डिडक्शन लाए, जैसे कुछ डिडक्शन इनकम बेस्ड डिडक्शन होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के डिडक्शन होते हैं, इनकम इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन, ये सारे टाइप्स ऑफ डिडक्शन है। तो ये चैप्टर आपको नेक्स्ट में पढ़ना है, जब आप
क्या कर लो, सेट ऑफ एनक्वायरी पॉइंट पढ़ लो, उसके बाद आपको डिडक्शन पढ़ना है, डिडक्शन के बाद आपको क्लबिंग पढ़ना है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ना है, एंड जब आप क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ लिया तो आप एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग आप 60 to 70 marks आपने कवर कर लिया है, अगर आपने सारे हेड्स पढ़ लिए, सेट ऑफ कैरी फॉर डिडक्शन इस सब पढ़ लिया तो आपने इतने मार्क्स आपने कवर कर लिए। आफ्टर डेट अगर आपको इसके बाद जो आपकी जो सिक्वेंस चलेगी उसमें मैं आपको बताऊँ आपको कैसे करना है। जब आपने इतना सब कुछ आपने कवर कर लिया है देन आप स्टार्टिंग में आ जाओ, आपके पास एक टॉपिक मैंने स्किप किया था उस टाइम एग्रीकल्चर इनकम का, तो एग्रीकल्चर इनकम आपको अब पढ़नी है। इंस्टीट्यूट ने सीक्वेंस सही दिया नहीं है यहाँ पे, आपको अब एग्रीकल्चर इनकम पढ़ना है। जब आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए तो आप यहाँ से आप एग्रीकल्चर इनकम आप पढ़ोगे। बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम मैंने आपको यहाँ पे क्यों पढ़ने के लिए बोला, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम किसी भी इनकम हेड के अंदर नहीं जाता है, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ये एग्जेम्प्ट है, बट यहाँ पे क्या है एक पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, पार्शियल इंटीग्रेशन जहाँ पे कुछ सर्टेन प्रोविजन है इनकम टैक्स की, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उस कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड आपको उस अकॉर्डिंग आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इसका इन्वॉल्वमेंट कब आया, जब हमारा नेट टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ठीक है, और अब हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और टैक्स लाइबिलिटी जब तभी आप कैलकुलेट करोगे जब आपको अपने सारे हेड्स की इनकम मालूम होगी। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंट उन सब हेड्स के बाद है जब आप अपने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने जाते हो, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। एंड देन आप इसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो, इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, बिकॉज आपको एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से इनकम एग्जेम्प्ट है जिसके ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता। ये सारे इनकम्स मोस्टली 10 के सीरीज के हैं, अंडर 10 सबसेक्शंस वेरियस जो भी होते हैं उसके पार्ट्स से है। तो ये सारे सीक्वेंस में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। देन कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इसके साथ, एक कॉन्सेप्ट जो मुझे इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा। ये सारे कुछ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि असेसमेंट्स एएमटी मैथ्स से ना इंटर लेवल पे बहुत क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट फाइनल लेवल के हैं। तो इसको आप जस्ट एक ओवरव्यू आप रीड करना, मैं आपको इसमें डीपली जाने के लिए नहीं बोलूंगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रस्ट का है, ट्रस्ट आपको कहीं दिख रहा है, हाँ ये ट्रस्ट आप पढ़ सकते हो, इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज बाकी सारे कॉन्सेप्ट आप जनरल आप जस्ट आप रीड कर लेना अगर आप बाय सेल्फ कर रहे हो तो। टीडीएस का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है इंटर लेवल पे, यहाँ पे रेट्स के जो परसेंटेज है वो पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप इन सब के आप रेट्स पे आप जरूर ध्यान देना टीडीएस पे। तो टीडीएस के रेट्स मैंने आपको बता दिया, आप रेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड देन आफ्टर डेट आप ये सबसे क्वेश्चन ऐसा आता नहीं, 2 marks आप मैक्सिमम पे इसको मान सकते हो टीसीएस का। एडवांस टैक्स इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एडवांस टैक्स आ सकता है आपके एग्जाम में, स्पेशली एडवांस टैक्स में सेक्शन 234 मेरे हिसाब से बी और सी, ये दो सेक्शन इम्पोर्टेंट है एडवांस टैक्स में, तो आप इन दो सेक्शन के ऊपर आप फोकस करना और इसके कॉन्सेप्ट आप डेफिनेटली कर लेना। बट जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, सबसे पहले आपको हेड्स करने हैं, हेड्स में भी आपको सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन, अदर सोर्स, लास्ट में आपको पीजीपी करना है, उसके बाद आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना है, डिडक्शन करना है, तो आपको उसी सीक्वेंस में करना है। जब आप वो सब कंप्लीट कर लो तो आप इन सब सीक्वेंस को आप कंप्लीट करो, यहाँ से भी क्वेश्चन 4 to 5 marks का आपका बन सकता है। ये रिटर्न्स ये जस्ट बेसिक है, इसमें आपको मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इंटर लेवल पे वो सेक्शन 139(1) मैं आपको मार्क करते जा रहा हूँ। स्कीम फॉर सबमिशन, बस ये 4 points इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इन 4 points के ऊपर आप ज्यादा फोकस करना, बाकी जस्ट आप रीड कर सकते हो।
बाकी इसमें एक न्यू ये आधार वाला आया है, आधार बेस्ड, बाकी ऐसा कुछ है नहीं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। असेसमेंट प्रोसीजर इंटर लेवल पे मुझे नहीं लगता बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आप इसको एक बार बस रीड कर लेना, एक से दो टू टाइम्स इसको आप रीड कर लो इसके डेट्स, कोशिश करना अगर आपको इसमें जो टाइम लिमिट्स दिए गए हैं आपको याद हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज आप इसके ऊपर बहुत कम फोकस दोगे तो भी नहीं चलेगा। और ये जो आपका इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्कीम है, ये ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ये सब कुछ एएस के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप इसको आप लिंक करोगे तो मैक्सिमम आपको एएस से लिंक हो जाएगा, और इसके सिक्वेंस भी याद करना बहुत ईजी है, बिकॉज देखो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है यहाँ पे ICDS 1 यही है, उसके बाद एएस 2 क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, यहाँ भी आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज है, फिर एएस 3, 4, 5, 6 यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, नेक्स्ट एएस 7 कवर किया गया, तो ये एएस 7 यहाँ पे एएस ICDS 3 हो गया। उसके बाद जो आता है 7 के बाद 8 नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 कहीं भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक एएस 26 के साथ मर्ज कर दिया गया। एएस 9 है जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन है जो यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको एएस के सिक्वेंस याद है तो आप इंडियस के भी आप सॉरी ICDS के भी आप सिक्वेंस आप याद कर सकते हो, वो सेम सिक्वेंस में चल रहा है, बस यहाँ पे एक चेंज आया है जो सिक्योरिटीज का है जो वहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट्स वहाँ पे एएस 12 है, एएस 12 आपका गवर्नमेंट ग्रांट है, फिर एएस 13 इन्वेस्टमेंट है, 14 एमलेशन है, 15 आपका एम्प्लॉय बेनिफिट है, 16 आता है आपका बोरोइंग कॉस्ट, तो यहाँ पे 16 आ गया है। सिक्योरिटीज का ऐसा कोई एएस नहीं है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स में आती है तो यहाँ पे वो कवर नहीं है। एंड देन लास्ट आता है प्रोविजन कॉन्टीजेंसी, ये एएस 29 है, तो आपको उसी सिक्वेंस में भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हो। मैंने इसी ट्रिक से याद किया था जब मैं फाइनल में था, और फाइनल में फर्स्ट टाइम आया था ICDS का कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली वो उन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने सारे आपको सिक्वेंस बता दिया आपको किस सिक्वेंस में करना है, एंड मोस्टली आपको हेड्स ऑफ इनकम इम्पॉर्टेंट है इंटर लेवल पे अगर देखा जाए तो, हेड्स ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन, एंड उसके बाद क्लबिंग सेट ऑफ तो मैंने आपको बता दिया, TDS का कॉन्सेप्ट आप देख लो थोड़ा बहुत, बिकॉज TDS के रेट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा आपको इंटर लेवल पर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको बता दिया है, एंड मैंने हर एक चैप्टर का लॉजिक भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है थोड़ा बहुत। तो होप सो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, आपको किस सिक्वेंस में पढ़ना है वो मैंने आपको बताया है। एंड एक अलग चीज़ है, होता क्या है हमारे साथ, हमें डायरेक्ट टैक्स में हमें रिटेंशन कैसे करें हमें ये चीज़ नहीं समझ में आती है। देखो रिटेन करने का तरीका क्या है, जब भी आप टैक्स को जब आप याद करने जाओ तो मैं जो करता था वो रूल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा सेक्शन है यहाँ पे, ये सारा इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन है, चलो कैपिटल गेन आ गया। अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने सेक्शंस भी दे रखे हैं और सेक्शंस का नाम भी लिख रखा है, ठीक है। तो मैं इसे याद करता था यहीं से, इस लिस्ट को मैंने प्रिंट आउट में ले रखा था, एंड मैं क्या करता था पहले मैं डिटेल्स में मैंने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, देन आफ्टर दैट जब मुझे रिविजन करना होता था तो इस लिस्ट को मैं ले लेता था, एंड इस पार्टिकुलर सेक्शन को मैं पढ़ता था। जैसे सेक्शन 51 क्या है, एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी फॉरफिटेड में उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, अगर 1/4/2014 से पहले अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो इन डेट केस वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा, अगर आफ्टर आपने किया है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से करके मैं उस सिक्वेंस में मैं उसको याद करता था, एंड हर एक सेक्शन के प्रोविजन। अब जैसे सेक्शन 45(1) है, सेक्शन 45(1) क्या बोलता है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है, जब हमने इंश्योरेंस ले रखा होगा अपने किसी एसेट का और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा होगा तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो इस केस में क्या हो सकता है, या तो हमें एसेट्स मिल रहा होगा, तो अगर एसेट्स मिल रहा होगा तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, अगर कैश मिल रहा होगा तो कैश, ये मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर देंगे हम, ठीक है। एंड ये टैक्सेबल कब होगा, जिस ईयर में हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा होगा उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये इस प्रोविजन को मैंने खुद से याद किया,
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक देख देख के याद करते हैं। तो बुक देख देख के याद करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपको चीजें याद है, बट आप भूलते रहते हो, आपको याद होता नहीं है। तो जब आप ऐसे सेक्शंस देख के याद करोगे तो आपको सेक्शंस भी याद हो जाएंगे एंड साथ में आपको सारे कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैं इसके साथ आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें सेक्शंस रीड कैसे करने हैं। बहुत स्टूडेंट्स को सेक्शन रीड करने नहीं आता। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, चलो यहीं पे देता हूँ, यहाँ पे स्पेस। देखो एक हमारा सेक्शन टू होता है, सेक्शन टू में या वेरियस होते हैं, टू 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 थ्री, जस्ट मैं एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो सेक्शन टू होता है ना, इसमें सारे डिफिनेशंस कवर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफिनेशंस कवर होते हैं। इसमें देखना आप सेक्शन टू सबसेक्शन और सेक्शन टू सबसेक्शन टू या थ्री, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन, ठीक है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। तो जब भी आप सेक्शन पढ़ते हो एंड उस सेक्शन का आपस में रिलेशन नहीं होता है, तो इस इंडिपेंडेंट सेक्शन को हम क्लॉज बोलते हैं। यहाँ पे हम सेक्शन सबसेक्शन थ्री या सेक्शन टू सबसेक्शन टू नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सेक्शन टू क्लॉज वन पढ़ेंगे, सेक्शन टू क्लॉज टू पढ़ेंगे, सेक्शन टू क्लॉज थ्री पढ़ेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब आप सेक्शन टेन यहाँ पढ़ोगे, तो सेक्शन टेन जो होता है इसमें सारे सेक्शन आपस में इंडिपेंडेंट है, इनका एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, दोनों सेक्शन आपस में इंडिपेंडेंट बातें करते हैं। तो यहाँ पे भी ना ये क्लॉज पढ़ा जाएगा, सेक्शन टेन क्लॉज इसको हम वन पढ़ेंगे। तो इन सब के केस में इस तरीके से पढ़ना है। अब डिपेंडेंट क्या हो गया, देखो डिपेंडेंट सेक्शन हम उसको बोलते हैं। अब जैसे जब आप हाउस प्रॉपर्टी या पढ़ोगे, ये सॉरी सैलरीज है। अब देखो सेक्शन सैलरीज में सेक्शन 17 पेंशन की बात करता है, सेक्शन 17 वन सबसेक्शन टू ये एनुटी की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, आपस में डिपेंडेंसी नहीं है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शन ऐसे मिलेंगे जिसे, एक सेकेंड मुझे सेक्शन खोलना पड़ेगा इसका, मैं उसको नहीं जाना चाहता। हाँ मैं यहाँ पे ही लेता हूँ। अब आप देखोगे सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की बात करता है, सेक्शन 32 क्या है, हमारे डेप्रिसिएशन की बात करती है। अब सेक्शन 32 के अंदर बहुत सारे क्लॉज दिए गए हैं, वो सारे क्लॉज डेप्रिसिएशन की ही बात कर रहे हैं। इन दैट केस आप उसको क्या पढ़ोगे, उसको आप सब सेक्शन पढ़ोगे। सेक्शन 32 में एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन है, फिर उसमें बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन के, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के, और दोनों आपस में सारे सेक्शन का लिंकेज है। तो इन दैट केस हम इसे सब सेक्शन हम पढ़ेंगे। बट जब भी आप देखो कोई भी सेक्शन जिसका आपस में नेटवर्क नहीं है, लिंक नहीं है, उसको आप देखो यहाँ पे देखो सेक्शन 23 है, यहाँ भी सेक्शन 23 है, और दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है। तो ये दोनों सेक्शन एक तरीके से डिपेंडेंट है, लिंकेज है, दोनों का आपस में लिंक है, दोनों सेक्शन 23 के पार्ट है, एंड दोनों कहीं ना कहीं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दैट केस ये दोनों सेक्शन जब आप पढ़ोगे तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए जब आप लॉ पढ़ने जा रहे हो। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, और टीम टू बी लेट आउट, ये सारे कुछ सेम चीज से आपस में नेटवर्किंग है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, अब देखो यहाँ पे सेक्शन 25 ए है, और यहीं पे एक सेक्शन 25 से डबल ए भी आया है, या पहले था मुझे याद नहीं है, डबल ए था। तो इन डेट केस जब इस टाइप के आपको सेक्शन दिखेंगे ना, तो आपस में डिपेंडेंट नहीं होते, ये दोनों अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊ सेक्शन 10(1) का सीरीज है, सेक्शन 10(2) है, यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन 10AA है, तो 10AA अलग ही सेक्शन है, ये सेक्शन 10 का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये एक अलग ही इंडिपेंडेंट सेक्शन है। सेम इसी तरह से होता है जब सेक्शन 23 सबसेक्शन, जब आप यहाँ 1 पढ़ रहे हो, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 पढ़ रहे हो, तो ये आपस में कहीं ना कहीं लिंक हो सकता है, लेकिन जैसे ही सेक्शन 23A आ गया, तो इनका इनसे कोई लिंक नहीं हो सकता है, बिकॉज सेक्शन 23A एक अलग ही सेक्शन है। तो होप सो काफी कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा।
एंड आपको कैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है वो भी आपको मालूम चला होगा। एंड मैं ट्राई करूंगा कि कुछ चैप्टर जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इनके मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के आपको वीडियोज प्रोवाइड करूँ, या जैसे मैंने कॉस्टिंग की मैराथन वीडियोज अपलोड की है उस तरीके से मैं डायरेक्ट टैक्स की मैं कोशिश करूंगा। मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता बिकॉज मेरा खुद का शेड्यूल भी काफी बिजी चल रहा है, बट मैं फिर भी आपके लिए टाइम निकालना चाहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जितने मैं टाइम निकाल सकूँ उतना टाइम मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। तो होप सो आपको वीडियोज काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको आप लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर करो। एंड स्पेशली बिकॉज होता क्या है, जब आपको वीडियो आप देखते हो आपको वीडियो अच्छी लगती है बट आप कॉमेंट नहीं करते हो, तो आपके कॉमेंट क्या है मेरी एक मोटिवेशन का काम करती है, मुझे मोटिवेशन फील होता है एंड मैं और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मोटिवेटेड होता हूँ। बट अगर आप कॉमेंट और लाइक नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेटेड भी होता हूँ कि यार मैंने इतने एफर्ट्स करके मैंने वीडियोज बनाई, लोगों ने देखा भी बट लाइक नहीं किया, कॉमेंट्स नहीं किया, उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया, फीडबैक नहीं दिया, तो उससे क्या होगा कि अगर हो सकता है उस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हुई या कुछ और अब मुझे और बतानी चाहिए थी, तो वो चीज़ उसमें कहीं अगर रह गई होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसके ऊपर फोकस भी करूँगा। तो इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं है कि बस आप इसे देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करो, कॉमेंट करो एंड आप जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ इस तरह आप भी मुझे मोटिवेट कर सकते हो लाइक और कॉमेंट करके। तो प्लीज़ आप इसे लाइक कॉमेंट एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप तो आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो।